हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका अगर ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं, आप अपने एक्स को कैसे पा सकते हैं दोबारा, और नहीं पाना है तो कैसे ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं। और जिस फेज से आप जा रहे हैं उस फेज को आप समझिए, ये फेज आपके लिए कैसा होने वाला है, आगे आने वाली लाइफ आपके लिए कैसे होने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि ब्रेकअप हुआ क्या, उसके रीजंस क्या थे, उसके कारण क्या थे ब्रेकअप होने के। तो सबसे पहला जो कारण होता है किसी भी ब्रेकअप का, वो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब आप कुछ भी कह रहे हैं उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, आप कुछ भी बोलते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आप कुछ भी समझाने जाते हैं तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाती है। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, आपका हर एक स्टेप, आपका हर एक एक्शन आपके अगेंस्ट यूज़ करा जाता है, आपको दबाने के लिए, आपको ब्लेम करने के लिए। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी ब्रेकअप्स होते हैं। दूसरा ब्रेकअप रीजन होता है चीटिंग, कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई दूसरा पार्टनर चीटिंग कर ले, किसी दूसरे के साथ चला जाए, कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना ले, कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना ले, तो उसको कहते हैं कि रिलेशनशिप में जब चीटिंग होती है तब दूसरा रीजन होता है किसी भी रिलेशनशिप का ब्रेक होना। तीसरा रीजन होता है अगर कोई पार्टनर बात बात पे झूठ बोलने लग जाए, बात बात पर वो लड़ाइयाँ करने लग जाए, टॉक्सिक बिहेवियर जिसे बोलते हैं, कि बैड बिहेवियर की कैटेगरी में आता है वो, कि बार बार झूठ बोलना, इवन हार्म, फिजिकली फाइट करना, हाथ उठा देना, मारपीट करना, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। इसके चलते भी आपके ब्रेकअप हो सकते हैं और ये भी एक रीजन है ब्रेकअप होने का। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से बोर हो जाए, उसी का कॉल ले लेके, उसी से मिल मिल के, उसी से बातें कर करके, अब वो इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं, अब वो इतना लगता नहीं, अब उसका बोर हो गई उसके साथ रह के, तो ये भी एक रीज़न है कि कोई मूव ऑन कर जाए किसी और पार्टनर के पास और उसका ब्रेकअप हो जाए। तो ये सारे रीजन्स थे कि जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसे फ्लैग्स दिख रहे हैं, रेड फ्लैग्स अपनी रिलेशनशिप में, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका भी रिलेशनशिप हो सकता है कि ब्रेकअप होने की कगार पर खड़ा हो। चलते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है, जस्ट जब ब्रेकअप होता है तब कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। पहला सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, अकेलापन। चारों तरफ आपके लोग होंगे, सब होगा, लेकिन फिर भी आप अकेला, तन्हा, वीरान महसूस करेंगे। जो जैसा आप पहले रहते थे, जो खुशियाँ, जो स्माइल चेहरे पे, एक्साइटमेंट कुछ काम करने के लिए, वो एकदम से खत्म हो गया है, अब खत्म हो गया है। आप अकेले पड़ चुके हैं, चारों तरफ कोई नहीं दिखता, कोई नहीं समझ आता, जिससे बात करो बोरियत, जिससे बात करो कॉल लेने का मन नहीं, घर पे बात करने का मन नहीं, एक रूम में बैठे रहना, अकेले रहना, सोते रहना, रोते रहना। तो अकेलेपन का सामना सबसे पहले हमें करना पड़ता है जब भी हमारा ब्रेकअप होता है। दूसरा चीज, हमारे मन में बार बार ये सवाल आता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, अब इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं बचा जो हमको प्यार करता हो, ऐसी फीलिंग आने लग जाना, अपने आप में रिग्रेट होना, पछतावा होना, कि क्या वो गलती थी, क्या मैं सही कर सकता था, कर सकती थी, कि मेरी रिलेशनशिप ब्रेकअप नहीं होता, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट वो रिग्रेट, वो पछतावा हमारे दिल में रहता है कि ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज थी जो मैं करता या करती तो मेरी रिलेशनशिप बच जाती, पछतावा रहता है। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि मैं ही क्यों, मतलब इतने सारे कपल हैं, इतने सारे रिलेशनशिप चल रहे हैं पार्कों में, गार्डन में, रोडों पर, मॉल में, तो ये मैं ही क्यों, ये मैं ही क्यों जो इसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्वेश्चन दिल में हमेशा रहता है, हमेशा रहता है कि ये मैं ही क्यों था जिसके साथ ऐसा हुआ। और इस वजह से जो इमोशनल का रोलर कोस्टर हमारे दिल में चलता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दिमाग में, दिल में, कभी इमोशन हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, कभी रोना छूट जाता है, कभी हंसी आ जाती है, कभी साइलेंट हो जाते हो, कभी एकदम ही डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी फिर नॉर्मल हो जाते हो, तो ये रोलर कोस्टर है इमोशंस का, अंबार सागर, जो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता रहेगा, होता रहेगा। सबसे खतरनाक चीज आती है जब आपको एंगर, गुस्सा और बदले की भावना आने लग जाए। एक टाइम होता है जब प्यार पाने की चाहत रहती है, वापस आने की उम्मीद रहती है, कोशिशें जारी रहती हैं,
लेकिन जब प्यार खत्म होता है तो वो प्यार नफरत में बदलना शुरू हो जाता है, और नफरत से वो बदले में जाता है, और बदले में फिर निश्ते नाबूद, ना मैं रहूंगा ना वो रहेगी, ना रहेगा पास, और मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगा, उसको भी खत्म कर दूंगा, कर दूंगी। बदला, बदले की भावना आना, गुस्सा आना, और फिर एडिक्शन में चले जाना, किसी दारू में देवदास बन जाना, कोकेन लेना, गांजा लेना, दिन रात दारू पीना, दारू पीना, और उसमें पड़े रहना। शाम होते ही अकेलापन ऐसे घेर लेगा, इमोशंस ऐसे घेर लेंगे, ऐसी टेंडेंसी हो जाएगी डिप्रेशन जैसी कि अब तो बस दारू ही चाहिए, दारू के बिना वो हैंडल नहीं होता। तो एडिक्शन लग जाना, नींद गायब हो जाना, कबूतरों की तरह 5 बजे 4 बजे अपने आँख खुल जाएगी, रात में एक एक दो दो बजे तक नींद नहीं आएगी, शायद उसको ही देख रहे हैं, उसके ही फोटो देख रहे हैं, उसकी चैटें पढ़ रहे हैं, उसकी FB प्रोफाइल देख रहे हैं, इसका भी मैं बताऊंगा इलाज। बट रात को दो दो बजे तक जगते रहना, जगते रहना, और फिर सुबह 4-5 बजे उठ भी जाना, नींद पूरी नहीं हो रही लेकिन फिर भी जल्दी उठ गए, अपने आप आँख खुल गई, जैसे पता नहीं क्या कर लोगे आज, आज उसे पाई लोगे, आज कहीं तो जाके कुछ करोगे और पालोगे। 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, क्या समझाने चाहते हो, किसको क्या समझाओगे, कुछ तो ऐसा मैं समझा दूंगा आज जिससे वो ना मेरी हो जाएगी आज, या वो तो मेरा हो जाएगा, कुछ तो ऐसा मैसेज डालूंगा, कुछ तो ऐसी बात करूंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा कि आज हमारा पैचअप हो जाएगा। जल्दी उठ रहे, भूख गायब हो जाना, मम्मी रोटी बना के ला रही है, भूख ही नहीं जा रही, गले में नीचे नहीं जा रहा, मेड बना के जा रही है, खाना ही नहीं खाना, घूमते रहना, ढूंढते रहना, कुछ कुछ करते रहना, भूख ही मर जाना, भूख मर जाती है, भूख मर जाती है, और सबसे एंड में सुसाइडल थॉट्स आने, डिप्रेशन आना, जब कुछ नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, तो सुसाइडल टेंडेंसी आना, खुद को खत्म करने का ख्याल आना, डिप्रेशन आना, जो कि काफी गलत है। तो ये सारी चीजें थी कि जस्ट ब्रेकअप जब होता है तो एक आदमी या एक लड़की किस फेस से जाता है, उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, ये वो सारी चीजें थी जो उसके साथ होती हैं। कुछ नहीं मैं बता पाया तो आप मुझे कमेंट में बताइए और क्या क्या आपके साथ हुआ, और क्या क्या चीजें होती हैं। फिर चलते हैं स्ट्रिक्टली जो चीजें आपको नहीं करनी है, स्ट्रिक्ट नो है इनके लिए, बिल्कुल ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपकी रिलेशनशिप को याद दिलाएं। फिर से मैं बोलूंगा, ऐसी चीजें कोई भी अपने पास ना रखें, ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपकी रिलेशनशिप को याद दिलाते हो बार बार। जैसे जहां जहां आप घूमते थे, जहां जहां आप मिलते थे, जहां जहां जाते थे, उन जगहों पे मत जाएं। व्हाट्सएप में उसकी DP मत देखें, फेसबुक प्रोफाइल में जाके मत चेक करें क्या स्टेटस डाला है, आज कहाँ गई थी, आज किसके साथ फोटो आया है, ये उसका कौन नया है, ये उसका कौन पुराना है, ये दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, कुछ भी ना चेक करें, कुछ भी नहीं। जो व्हाट्सएप चैट होती हैं उनको डिलीट ना करके आर्काइव कर लें, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप होती हैं जिनमें शायद आपको बाद में प्रूफ करना पड़े या सबूत दिखाने पड़े, तो उन चैट को इसलिए सेव करके रख लें, इसलिए मैं उनको डिलीट करने को नहीं बोल रहा। और बाकी सारी चीजें आप डिलीट कर दें, जितने भी गिफ्ट दिए गए हैं, लिए गए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, वो तुरंत डिलीट कर दें, और उन गिफ्ट्स को, कपड़ों को, जूतों को बाहर फेंक दें, मेड को दे दें, किसी सफाई वाले को दान कर दें, लेकिन अपने पास कृपया करके वो कोई भी चीज ना रखें जो चीजें आपके रिलेशनशिप को याद करती हैं या उसकी याद दिलाती हैं। अपने आप को खत्म करने की सुसाइडल टेंडेंसी बिल्कुल दिमाग में मत लाएं। आप एक विनिंग स्पर्म है, करोड़ों स्पर्म होते हैं, उनमें से एक स्पर्म एग में जाके मिलता है और उससे बच्चा पैदा होता है, करोड़ों स्पर्म में से, तो आप एक विनिंग स्पर्म है। इसकी कोई डेफिनेशन मुझे कमेंट में बता सकता है तो मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। तो आप ऑलरेडी विनर हो, इस दुनिया में आए हो, तो आप ऑलरेडी जीत के आए हो, करोड़ों लोगों को स्पर्म्स को हरा के आए हो, मार के आए हो, आप तो ऑलरेडी विनर हो। तो बिल्कुल भी ये चीजें मत दिमाग में आने दो कि डिप्रेशन में जाओ, सुसाइडल थॉट्स में जाओ, उसको मार देने के लिए जाओ, खुद को खत्म करने के जाओ, एंगर, बदला लेना, ये चीजें मत करें। जितने भी आप न्यूज़ सुनते हो कि उसने उसने उसको चाकू मार दिया या उसने उधर बुला के गोली मार दी, ये क्या है, ये रिवेंज है, बदला। जब प्यार खत्म होता है तो बदला शुरू होता है, तो वो बदला मत लाने दो, मत आने दो, इससे कुछ नहीं मिलता। आपको पता है उसने उसको मार दिया और खुद भी खत्म हो गया, या उसने उसको जला दिया, खुद भी खत्म हो गया, या जेल चला गया, मिला क्या, किसी को कुछ नहीं मिला। और वही आदमी अगर 1-2 महीने 6 महीने अकेले रहकर अपने आप पे काम कर कर अपनी जिंदगी सुधार लेता,
तो शायद शायद वो पीछे पलट के देखता तो वो ये चीज ना करता, और अपनी लाइफ में शायद उसको अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाती, या मिल जाता बहुत अच्छा केयरिंग लवली हस्बैंड मिल जाता, या वाइफ मिल जाती, और आप काफी खुश रहते। आपके बच्चे होते जिनकी आप देखभाल करते, उनको बड़ा करते, उनको चलता देखते, उनको बोलता देखते, तो ये चीजें आप लाइफ से मिस कर देंगे, मिस कर देंगे, क्योंकि काफी अच्छी चीजें हैं जो कि एक जब बच्चा चलना सीखता है, आप साइकिल चलाना सीखते हो, आई बाइक चलाना सीखते हो, जो खुशी आपको मिलती है वो 100 गुना खुशी, 100 गुना खुशी इन चीजों से मिलती है। उसकी आप सोच लो 100 गुना खुशी आपको इन सब चीजों से मिलेगी जो आपकी लाइफ में आगे आने वाली चीजें हैं। तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देने वाली है लाइफ आपको। इन सब चीजों से आप डिप्रेशन में, बदला लेने की टेंडेंसी में ना जाए, बिल्कुल ना जाए। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि अपनी रिलेशनशिप के बारे में बार बार हर जगह बातें मत करें। जिसके पास गए उसके उसके साथ यही बातें कर रहे हो कि मेरा क्यों हुआ, मैं क्या अच्छा कर सकता था, या वो अभी क्या कर रही है, या वो अभी किसके साथ है। हर जगह जहां जा रहे हो, जहां बैठ रहे हो, अपनी रिलेशनशिप की बातें ना करें, बिल्कुल ना छेड़ें। कुछ भी अलग बातें करें बट अपनी चीजें मत गाएं हर जगह, वरना आप एक तरह से मजाक सब लोग आपका मनाने लग जाएंगे कि देख आ गया रोंदूमल, आ गया देख, देख आ गया अब ये बात करेगा, अब देख रोएगा, अब देख ये करेगा, अब ये करेगा। आप ऐसा ना करें, हर जगह जाके अपनी रिलेशनशिप की बातें स्टार्ट ना करें, किसी से एडवाइस लेना ना स्टार्ट करें, हर एक से एडवाइस लेना बंद करें। हर कोई आपके जितना समझदार या ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। क्या पता आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं जो कि एक काफी नार्सिस्टिक पर्सन था, जो आपकी जिंदगी में जहर घोले हुआ था, मतलब बर्बाद किया हुआ था आपको, और एक बेवकूफ आके आपको बोल दे कि जा पैचअप कर ले, और आप इतनी मुश्किल से उस दलदल से निकले हो, कुएं से निकले हो, और उसने पैचअप करा दिया आपका, फिर से आप फिर घुस गए वहां, और कुछ नहीं मिल रहा, दर्द ही मिल रहा है फिर से। तो हर एक से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई इतना समझदार नहीं होगा कि आपको सही एडवाइस दे पाएगा।